हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए वजीरपुर राजस्थान से महेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट। निर्वाचन अधिकारी जयंत शर्मा की अध्यक्षता में BLO अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न, जिसमें व्याख्याता राम अवतार धारक ने मतदाता साक्षरता क्लब के गठन की विस्तार से जानकारी प्रदान की। वहीं अरुण वैश्य ने सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए कि 17 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार कर भिजवाने के लिए कहा। वहीं मतदाता सूची में नवीन नाम जोड़ने और मृतकों के नाम हटाने पर जोर दिया। अध्यापक सुनील गुप्ता ने भी बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष मतदाता सूची संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की। पैसे के या किसी भी दबाव के या कोई टेरर के वजह से हमें अपने वोट को खराब नहीं करना है। इसका गठन कैसे होगा? इसके गठन के लिए जो BLO होगा, वो BLO इसका नोडल अधिकारी होगा। सरकारी स्कूलों में बाल दिवस पर रंगारंग कार्यक्रमों के साथ प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। राजस्थान राज्य सरकार व शिक्षा विभागों के आदेशों की पालना में कस्बा व आसपास के सरकारी स्कूलों में बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वजीरपुर, शारोली, मीना बड़ौदा में बालकों से प्रतियोगिता कराई गई। मीना बड़ौदा में सीमा मीना प्रदीप कुमार शर्मा की देखरेख में निबंध प्रतियोगिता कराई गई, जिसका विषय था देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी। इसमें कक्षा 9वीं से 12 तक के 8 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ ही राजेश वरिष्ठ अध्यापक जगदीश मीना की देखरेख में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाल सभा की शुरुआत एवं मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की बच्चों के द्वारा मां सरस्वती की वंदना तथा नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीत पर शानदार नृत्य प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी अतिथियों ने सराहना की। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मेरे अच्छे चंदा मामा की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसकी सभी अतिथियों ने प्रशंसा की। बच्चियों का हौसला बढ़ाकर उनको प्रोत्साहित किया कि आज 14 नवंबर बाल दिवस है और इस बाल दिवस के पावन अवसर पर हमारे विभाग के द्वारा सामुदायिक वृहद बाल सभा का आयोजन भी हमारे इस मंदिर परिसर के अंदर किया जा रहा है। आकस्मिक निरीक्षण कर विद्यालयों में शिक्षक एवं बच्चों को दिए निर्देश। वजीरपुर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र चंद्र मीना ने राव मावी मीना बड़ौदा का आकस्मिक निरीक्षण कर दिए निर्देश। उन्होंने शिक्षकों को कक्षा 1 से 5 तक के दस्तावेज वही टीचर डायरी संसाधन करने के लिए दिए निर्देश। विद्यालय राव मावी बड़ौदा में हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर विविध कार्यक्रम, भाषण, प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता आदि का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिला ऑपरेशन शिविर का आयोजन। वजीरपुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालय वजीरपुर में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिला ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी राम खिलाड़ी मीना ने बताया कि सर्जन रामकेश मीना विकास मुकेश कुमार की टीम ने 36 महिलाओं के सफल ऑपरेशन किए। अन्नकूट में सैकड़ों लोगों को प्रसादी वितरण। वजीरपुर समीप के गांव जिबली के हनुमान मंदिर पर शनिवार को गांव वासियों की ओर से अन्नकूट का आयोजन किया गया। जिबली गांव के सत्यनारायण शर्मा ने बताया, सभी श्रद्धालुओं को हनुमान जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर अन्नकूट का प्रसाद लगाकर लोगों को अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पंगत लगाकर पंगत प्रसादी पाई। यह कार्यक्रम सुबह से लेकर देर रात तक चलता रहा। निम्बार्क आश्रम के पीठाधीश्वर केशव कृपाल का निकला चंडलोक। दी मुखाग्नि बाजार रहा बंद। निम्बार्क आश्रम के पीठाधीश्वर श्री केशव कृपाल जी महाराज के गौलोक सिधार जाने से कस्बे में शोक छा गया। रविवार को सुबह 9 बजे निम्बार्क आश्रम से गाजे बाजे व आतिशबाजी के साथ चंडलोक निकाला गया, जिसमें महिला पुरुषों ने भाग लिया। वहीं पूर्व विधायक
मानसिंह गुज्जर भी इस कार्य में शामिल हुए। उन्होंने संत को अंतिम बार प्रणाम कर नारियल अर्पित किया। मैं निम्बार्क आश्रम राधा मदन मोहन जी का पुजारी बालमुकुंद शर्मा बोल रहा हूँ। हमारे महंत श्री श्री 1000 श्री केशव कृपाल शरण जी महाराज का अचानक कल शाम 4:50 पर गोलोक धाम पधार गए। ये महाराज जी 9 साल पहले हमारे गुरु जी का लोग गोलोक जाने के बाद में उनके स्थान पर ये विराजमान हुए। इनका हमारे आश्रम में हमारे मंदिर में बहुत अच्छा हो रहा कार्यकाल, अच्छी व्यवस्था बनाए रखी, अच्छे सत्संग होते थे और अच्छे ही भक्तों को अच्छा प्रदर्शन करते थे। कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुई रामकथा। वजीरपुर उपखंड में रघुनाथ जी के मंदिर में कलश यात्रा के साथ रामकथा का प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा रघुनाथ जी के मंदिर से प्रारंभ होकर देवी मंदिर से होते हुए पुनः सीताराम जी के मंदिर पर पहुंची। कलश यात्रा के बाद रामकथा प्रारंभ हुई। रामकथा 17 नवंबर से प्रारंभ होकर 25 नवंबर सोमवार को संपूर्ण होगी। वजीरपुर के सर्राफ परिवार की ओर से इसका आयोजन किया गया था। कथा में अनेक पुरुष और महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।